हाय एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। मैंने आपको बताया कि हमारी एक नई सीरीज शुरू हुई है जहां पे कोशिश ये रहती है कि जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ है उनको एक एक करके समझा जाए, एक वीडियो में एक न्यूज़ को देखें और होलिस्टिकली उस न्यूज़ को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस न्यूज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और आपके प्री और मेंस दोनों के लिए वो काम आए। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं वही चीज़ बोलता हूँ कि जो भी डाउट हुआ करे आप कमेंट्स में अपने कमेंट जरूर से पिन डाउन किया करें, क्योंकि कमेंट्स को मैं मॉनिटर करता हूँ। जितनी भी वीडियोस में बनाता हूँ मैं हर चीज़ ये बोलता हूँ, हर बार ये बोलता हूँ कि कमेंट्स को आप जरूर अपने कमेंट्स जो जरूर से पिन डाउन किया करें, क्योंकि कमेंट्स से पता चलता है कि जो सीरीज मैं या जो भी वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, जो भी मैं टॉपिक्स उठा रहा हूँ, चूज़ कर रहा हूँ, वो आपको कितना ज़्यादा हेल्पफुल कर रही है या कुछ डाउट भी हो जा रहा है तो क्या है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट्स में ज़रूर से बताया करें, क्योंकि कमेंट्स को मैं मॉनिटर करता हूँ और मुझे लगता है कि कोई डाउट है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लैरिफाई भी कर देता हूँ, तो कमेंट्स ज़रूर से किया करिए। तो आज का जो टॉपिक है वो एक आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि नो सायोनारा फॉर जापान इन इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स। सायोनारा का मतलब टाटा बाय बाय, मतलब अभी जापान की अगर बात करें तो इंडो पैसिफिक की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें जापान का टोटली अभी गुड बाय टाटा बाय नहीं हुआ है, वो भी अभी एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। और ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि लास्ट मंथ यानी कि मार्च में जो जापान के प्राइम मिनिस्टर यानी कि फूमियो किशिदा, मिस्टर किशिदा जो है वो भारत आए थे और इस दौरान वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिले और दोनों के बीच में आपका ग्लोबल इश्यूज पे बात हुई, बायलेटरल इश्यूज पे बात हुई, साथ ही साथ एक फोक एक कोऑपरेशन पे बात करी गई कि कोऑपरेट करना चाहिए जी सेवन कंट्रीज और आपका G20 कंट्रीज का, क्योंकि आपको पता है कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इस साल भारत के पास है, 2023 में जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है, भारत चेयर कर रहा है। और वहीं अगर G7 की प्रेसिडेंसी की बात करें या चेयरमैनशिप की बात करें तो वो जापान के पास है। G7 का जो समिट होने का मई के अराउंड होगा वो आपका जापान में ही होगा। तो इस मीटिंग में, ये जो मीट हुई थी उसमें ग्लोबल इश्यूज को भी एड्रेस किया गया, बायलेटरल टाइज को कैसे बढ़ा सकते हैं, कई सारे इन्वेस्टमेंट्स की बात करी गई, साथ ही साथ ये बोला गया कि कैसे G7 और G20 के कोऑपरेशन को हम बढ़ा सकते हैं। और आज इस न्यूज़ में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि जो जापान का इस दौरान जो एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिससे ये बोला जा रहा है कि जापान काफ़ी ज़्यादा अब इन्वॉल्व होगा जो इंडो पैसिफिक है, क्योंकि अगर हम बात करें जापान के कुछ सालों से बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था इंडो पैसिफिक में, पर जैसे चाइना का थ्रेट, ठीक है, जैसे चाइना का बॉर्डर एग्रेशन जो इंडिया के साथ है वही सेम एग्रेशन जो है आपका चाइना का जापान के साथ है, जो साउथ चाइना सी का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें जापान और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो जो इंडो पैसिफिक है और जो साउथ चाइना सी है इसमें चाइना के एग्रेशन को कर्टेल करने के लिए, ठीक है, अपनी एंगेजमेंट यानी कि जापान ने अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कुछ नए इनिशिएटिव सोचे हैं और इसमें इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बनाया है। और साथ ही साथ इंडिया के लिए कैसे खबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक एक्टिव जापान इन द इंडो पैसिफिक रीजन इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया, क्योंकि अगर हम बात करें US हो गया, चाहे फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सबका कहीं ना कहीं जो है वो इंडो पैसिफिक में इंटरेस्ट है, UK हो गया, पर इनका एक अलग इंटरेस्ट है। और वहीं अगर हम इंडिया और जापान की बात करें तो इनका जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पहलू है चाइना के साथ, तो इस वजह से एक एक्टिव जापान इन द इंडो पैसिफिक रीजन इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया। तो आज हम इसी पूरी न्यूज को डिकोड करेंगे कि क्या इनिशिएटिव लिया है, किस तरीके से जो चाइना का एग्रेशन उसे कर्टेल करने की बात कर रहा है जापान, तो इसको बहुत ही अच्छे से इजी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे हम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जापान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर किशिदा, इन्होंने एक नया प्लान, जापान के लिए एक नया प्लान जो है वो इनिशिएट किया है जिसका नाम है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, यानी कि FOIP एंड एक्सचेंज व्यूज अबाउट डीपनिंग द जापान इंडिया स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। यानी कि जापान का एक नया प्लान एक्टिव हुआ है जिसका नाम है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, यानी कि जो इंडो पैसिफिक का रीजन है वो फ्री होना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें, इस रीजन में कहीं पे भी किसी भी बड़े देश का कोई डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, कोई एग्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का नेचुरल रिसोर्सेज है। ओशियन क्या है, ओशियन भाई किसी ने खरीदा नहीं ना, ओशियन इज अ नेचुरल रिसोर्सेज। तो उस वजह से जो इंडो पैसिफिक का रीजन है ये फ्री होना चाहिए और ये ओपन होना चाहिए, कोई इस तरह से क्लेम नहीं कर सकता है कि ये पार्ट या ये आइलैंड या ये चीजें हमारी हैं। तो ये किसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, ये पॉइंट आउट किया जा रहा है चाइना के लिए,
क्योंकि अगर हम कुछ सालों को देखें, कुछ साल पहले देखें, तो जापान बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहा था इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें तो। इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एक नया प्लान जो है वो अनवील किया गया है जापान के द्वारा, जो है आपका फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। देखिए थोड़ा सा मैं आपको जापान के बारे में बताना चाहूंगा। जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंक्लूड हुआ था और जब एटॉमिक बॉम्ब्स जो है वो गिराए गए थे यूएसए के द्वारा, उसके बाद से जो जापान है वो बहुत ज्यादा एक्टिवली मिलिट्रीली जो हम बात करें बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया। ठीक है, ये सारी चीजें चेंजेस हुई होने लगे जापान में जब शिंजो आबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी अभी हाल ही में डेथ भी हो गई थी, उन्होंने ये सारी चीजें जो है ये इनिशिएट करना शुरू किया। उनको लगा कि जापान को एक स्ट्रांग मिलिट्री भी जो है इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि आपको पता शायद हो या ना हो, मिलिट्री जापान की अगर बात करें तो उनकी कोई भी मिलिट्री अभी नहीं है, क्योंकि वो यूएस और जापान का डिफेंस टाइज है और इसमें यह है कि अगर जापान पे कोई अटैक होगा तो उसके लिए यूएस जो है वो मदद करने आएगा। पर हाल फिलहाल में जो इश्यूज हुए रिसेंटली, जो हमने देखा अफगानिस्तान में देखा या हमने जो अभी यूक्रेन में देखा, उस पे देख के आप यूएस पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते और कह नहीं सकते हो कि यूएस आएगा कि नहीं आएगा, कह नहीं सकते हैं। हो सकता आ भी सकता है, हो सकता नहीं भी आ सकता है। तो इस वजह से ये सारी चीजें जो है, ठीक है, जापान अब इन सारी चीजों पे काम कर रहा है क्योंकि उसको अब समझ में ये आया धीरे धीरे कि हम सिर्फ यूएस पे भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, यूएसए के डिफेंस अम्ब्रेला के अंडर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एट टाइम्स क्या पता यूएसए को लगे कि हमें नहीं जाने की नीड है तो हम ना जाएं, क्या पता वो सिर्फ वेपन्स ही भेजें, तो कुछ कह नहीं सकते। तो इस वजह से ये सारी चेंजेस किए गए हैं या सारे चेंजेस हो रहे हैं जापान की ये जो पॉलिसीज है उसमें। तो इसी में जब लास्ट मंथ मैंने आपको बताया कि मिस्टर किशिदा जो है वो इंडिया आए थे, तो उन्होंने जापान के लिए नया प्लान किया फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और इसमें इंडिया को एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक और साथ ही साथ आपका ग्लोबल पार्टनरशिप की तरह एक तरह से टैग किया गया है। साथ ही साथ जो नई पॉलिसी है उस पे जो जापान है वो वर्ल्ड इश्यूज पे भी फोकस करेगा, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो जाए, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो जाए, चाहे वो साइबर स्पेस हो जाए, क्योंकि आपको पता है साइबर अटैक आने वाले समय में मिलिट्री कन्फ्रंट है ना वो शायद बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जंग जो होती है ना उसमें कोई भी जीते कोई भी हारे, नुकसान दोनों देश को होता है। तो इस वजह से ये बायो वॉरफेयर हो गया, साइबर क्राइम्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजों का जो चलन है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा आने वाले टाइम में। और आपने देखा है कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं साइबर अटैक्स का इस्तेमाल करता ही रहता है अपने जो भी उनके जो बेनिफिशरीज कंट्री हैं। तो साथ ही साथ एक आपका फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रहेगा, साथ ही साथ जो वर्ल्ड इश्यूज हैं, चाहे आपका यूक्रेन वॉर हो जाए, चाहे फूड सिक्योरिटी हो जाए, साइबर अटैक्स हो जाए, इन सारी चीजों पर भी फोकस किया जाएगा। और साथ ही साथ जापान ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि एक चैलेंज को एड्रेस किया जाएगा जो कि आपका यूनाइटेड स्टैंड नहीं है दुनिया का इंटरनेशनल ऑर्डर पर जो भी, क्योंकि अगर आप रशिया यूक्रेन की बात कर लो जो युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन में, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा क्लियर स्टैंड नहीं है। अगर आप यूरोपियन यूनियंस को देखो या फ्रांस को देखो, वेस्टर्न कंट्रीज को देखो, ठीक है, वो अभी भी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, उनके जो गैसेज है, जो नेचुरल गैस है, वो अभी भी रशिया से आ रहे हैं, और इस तरीके से एक क्लियर स्टैंड नहीं हुआ, जिस वजह से ये युद्ध है वो चलता ही चला जा रहा है। ठीक है, ये युद्ध समाप्त हो सकता था अगर सारे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स इन्वॉल्व हैं वो बैठते, चर्चा करते, जिसके जो भी इश्यूज थे कंसर्न उसको सॉल्व करते, शायद ये युद्ध शुरू हो जाता तो शायद इतना लंबा नहीं चलता। पर एक कोई क्लियर यूनाइटेड स्टैंड्स ही नहीं है, इस वजह से जापान ने ये भी एड्रेस किया है कि हमें एक यूनाइटेड स्टैंड की तरह, ठीक है, इंटरनेशनल इश्यूज पे जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उस पे एक यूनाइटेड स्टैंड की तरह काम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी कंट्री, कोई बड़ी कंट्री किसी पर अटैक कर रही है और जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कुछ खास रिएक्शन या कुछ ज्यादा कर नहीं रहा है। तो कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो है वो आपका जापान का वो है कि एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक, और इसमें जापान ने इंडिया को स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप की तरह देखा है, ग्लोबल पार्टनरशिप की तरह रखा है। फिर साथ ही साथ जापान कई सारे इश्यूज पे फोकस करेगा, वर्ल्ड इश्यूज पे, चाहे वो आपका रशिया यूक्रेन वॉर हो जाए, चाहे आपका फूड सिक्योरिटी हो जाए, चाहे वो आपका साइबर अटैक्स हो जाए। और बात का जो लास्ट बात है वो ये है कि जो यूनाइटेड स्टैंड नहीं है दुनिया का किसी भी इंटरनेशनल इश्यूज पे, उसको भी एक तरीके से रिजॉल्व करने की बात है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यानी कि FOIP, ठीक है, FOIP यानी कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इसको अचीव करने के लिए चार पिलर्स, ठीक है, चार पिलर्स के कोऑपरेशन दिए गए। देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, इस तरह के साथ आप अपने आंसर को कोट कर सकते हैं जो मैं पॉइंट्स रखा हूं, तो इसको आप या तो नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है, और एक बॉक्स बना के दिखा सकते हो कि कौन कौन से कोऑपरेशन या पिलर्स हैं, तो इस तरह के आप और एरोस दिखा सकते हो, बॉक्स बना सकते हो। तो इस तरह से क्रिएटिव आंसर राइटिंग्स भी थोड़ा थोड़ा करने का मैं आपको बताता रहता हूं साथ ही साथ।
तो चार इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन है जिससे जापान ने यह कहा है या ये मानता है कि जो इंडो पैसिफिक है वो फ्री और ओपन हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि भैया इंडो पैसिफिक में पीस होना चाहिए और साथ ही साथ नियम और प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, यानी कि ऑब्वियसली बात है चाइना की तरफ ही है कि एग्रेशन नहीं होना चाहिए, पीस होना चाहिए, रूल्स एक प्रॉपर रूल्स के तहत जो है जो भी यूटिलाइजेशन या यूज करना उसके तहत होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो सेकंड लाइन है, ये जो सेकंड पिलर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। क्या कह रहा है? एड्रेसिंग चैलेंजेस इन एन इंडो पैसिफिक वे, यानी कि जो इंडो पैसिफिक का चैलेंज है उसको इंडो पैसिफिक के वे में ही एड्रेस करना चाहिए। अब देखिए इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें तो इसमें यूएसए भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, यूएसए भी है, आपकी वेस्टर्न कंट्रीज में चाहे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, ये सारी चीज़ जितनी भी कंट्रीज हैं इनका कहीं ना कहीं से है कि इनको भी अपनी प्रेजेंस जो है इंडो पैसिफिक में बढ़ानी है टू काउंटर चाइनाज राइज। तो इनका जो इशू है, ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज का इशू है वो एक अलग इशू है, और वहीं अगर हम इंडिया की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, जापान की बात कर लें, इनका जो इशूज है वो टोटली डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, पर हाँ एट सम पॉइंट्स इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। तो जो इंडो पैसिफिक का इशू है वो इंडो पैसिफिक के वे में ही सॉल्व करना चाहिए, उसे उसी वे में एड्रेस करना चाहिए। यानी कि अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करें तो आपका जो पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग्स है, यानी कि जितने भी इंडिया के आसपास जितने भी छोटे आइलैंड्स हैं उनको कहीं ना कहीं चाइना का डोमिनेंस ले आया इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन में अपनी डोमिनेंस बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां भी जो चाइना के इशूज चल रहे हैं, चाइना का क्या है, वहां भी जितने ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो आइलैंड्स हैं उन पर कहीं ना कहीं चाइना अपना डोमिनेंस बना रहा है। जापान के साथ साउथ चाइना सी में इशूज चल ही रहे हैं। तो इंडो पैसिफिक के जो इशूज हैं उसको इंडो पैसिफिक वे में ही उसी तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए। यूएस वेस्टर्न कंट्रीज वो भी हेल्प करेंगे, पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिया, जापान, ये लोग मिलके अपने जो एड्रेस है उस तरीके से, अपने जो इश्यूज हैं उसी वे में इंडिया पैसिफिक का जो एड्रेस है उसे सॉल्व करें। तो समझ में आ गया एड्रेसिंग चैलेंजेस इन एन इंडो पैसिफिक वे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही आसान भाषा में जो मैंने समझाया समझ में आ गया होगा कि जो इशू है जो इस कंट्री जो इस रीजन के पार्ट हैं उनके जो इशूज हैं उसी तरीके से सॉल्व करने की जरूरत है। वेस्टर्न कंट्रीज का भी अपना रोल रहेगा पर उनका जो इशूज है वो शायद डिफरेंट हो सकता है, और इंडिया हो जाए, जापान हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए। तो इस तरीके से यानी कि एड्रेसिंग द चैलेंजेस इन एन इंडो पैसिफिक वे, समझ में आ गया। साथ ही साथ मल्टीलेटरल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी उतना ज्यादा पीस हो सकता है, उतना ज्यादा ओपन हो सकता है। और साथ ही साथ जो एफर्ट्स है उसको सिक्योरिटी को यूज करना है, चाहे वो सी की बात कर लें और एयर की बात कर लें, यानी कि प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेफ यूज होना चाहिए, वहां पे किसी तरीके का कोई डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। तो ये चार पिलर की अगर हम बात करें, ये चार पिलर्स की अगर हम बात करते हैं तो इससे जापान ने ये बोला है कि हम इससे एक सेफ, ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि ये इशू, ये जो आर्टिकल है वो किस तरीके से इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जापान ने इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप के पार्टनर की तरह ट्रीट किया है। साथ ही साथ एक एक्टिव जापान इन द इंडो पैसिफिक रीजन इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया, ताकि भाई देखो इंडिया को भी जो चाइना का एग्रेशन है वो कटेल करने में हेल्प होगी। तो इस वजह से ये जो न्यूज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये बताया कि कैसे कुछ सालों से जो जापान है वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था इंडो पैसिफिक रीजन में, पर अब ये जो पॉलिसी स्टांस हुआ है और अब जो है जापान ने कहा है कि हम एक्टिवली काम करेंगे एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक में। तो समझ में आ गया आपको कि कैसे जापान की पॉलिसीज में चेंज हुआ और किस तरीके से ये बेनिफिट करेगा इंडिया के लिए, और इंडिया जापान कैसे जो है वो काउंटर कर सकते हैं अगर हम बात करें चाइना के एग्रेशन की, स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इन द इंडियन ओशन, इन द साउथ चाइना सी, ये सारी चीज़ों में। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने टॉपिक भी कवर किया था ब्लू इकोनॉमी, क्योंकि लैंड रिसोर्सेज एक टाइम पर डिप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसी वजह से जो कंट्रीज हैं वो कहीं से वो उनका जो फोकस है वो ओशन रिसोर्सेज और ब्लू इकोनॉमी की तरफ आ रहा है। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आने वाले समय में ओशंस को लेके, ओशन रिसोर्सेज को लेके, मरीन रिसोर्सेज को लेके कहीं ना कहीं बढ़ने ही वाला है या बढ़ेगा ही। तो इसी वजह से एक जापान का एक्टिव होना इन इंडो पैसिफिक रीजन इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया। तो ये था होल आर्टिकल। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी चीज़ें जो है मैंने आसान भाषा में समझा दी और टू द पॉइंट आपको बताया कि क्या चेंज हुआ और कैसे वो इंडिया को बेनिफिट कर सकता है। सेशन के एंड में जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको मेरा कोड अप्लाई करना है। अगर आपको सीरियसली एक बार यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, किसी भी एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है, आप स्टडी आईक्यू में एनरोल कर सकते हो। भूल से भी ओरिजिनल प्राइस मत पे कर देना, आपको सिर्फ मेरा कोड लगाना है आरएस लाइव एंड यू विल बी गेटिंग द कॉम्बो कोर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो
टाइम बहुत सही है, अप्रैल स्टार्ट हो गया है, सो यू कैन एनरोल फॉर योर 2024 प्रिपरेशन। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।